नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल है, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर, शेर, भालू या फिर इंसान ही? आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका जवाब बंदर दिया होगा, जैसा कि हमें किताबों में पढ़ाया गया है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि क्रमिक विकास के चलते बंदर से मानव का विकास हुआ है। मानव ने आग जलाना, फसल उगाना और पहिए के आविष्कार के साथ आधुनिक मानव के रूप में अपना विकास किया। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे पता चला कि मानव पहले बंदर ही थे? क्या बंदरों के कुछ गुण मिलने के कारण उन्हें हमारा पूर्वज बना दिया गया? अगर बंदर से मानव का विकास हुआ है तो वर्तमान में ये प्रक्रिया बंद क्यों हो गई? अगर चालू है तो फिर मानव के क्रमिक विकास का अगला चरण क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। साल 1859 के पहले तक आम मानव में साधारण धारणा यह थी कि सभी जीवधारियों को किसी देवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति ने उत्पन्न किया है और उनकी संख्या, रूप और आकृति सदा से ही निश्चित रही है। लेकिन सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के प्रकाशन के बाद विकासवाद ने इस धारणा का स्थान ग्रहण कर लिया और फिर अन्य जंतुओं की भांति मनुष्य के लिए भी यह प्रश्न पूछा जाने लगा कि उनका विकास कब और किस जंतु अथवा जंतु समूह से हुआ है। इसका उत्तर भी डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन सन 1871 द्वारा देने का प्रयास करते हुए बताया कि केवल वानर, विशेषकर मानवाकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं। दुर्भाग्यवश धार्मिक प्रवृत्तियों वाले लोगों ने डार्विन के इस कथन का गलत अर्थ कि वानर स्वयं ही मानव के पूर्वज हैं लगाकर न केवल उसका विरोध किया, बल्कि जनसाधारण में बंदरों को ही मनुष्य का पूर्वज होने की धारणा को प्रचारित कर दिया, जो आज भी अपना स्थान बनाए हुई है। क्योंकि डार्विन मनुष्य के विकास के प्रश्न का समाधान नहीं कर पाए तो उन्होंने जीव वैज्ञानिकों का ध्यान दो गूढ़ तथ्यों की ओर आकर्षित किया। एक, मानवाकार कपि ही मनुष्य के पूर्वजों के संबंधी हो सकते हैं। दूसरा, मानवाकार कपियों तथा मनुष्य के विकास के बीच में एक बड़ी खाई है जिसे लुप्त जीवाश्मों की खोज करके ही कम किया जा सकता है। यह प्रशंसनीय है कि डार्विन के समय में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध ना होते हुए भी उसने भूगर्भ में छिपे ऐसे अवशेषों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की जो सत्य सिद्ध हुई। अभी तक की खोज के अनुसार होमो सैपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका का माना जाता रहा है, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमो सैपियंस के उत्तर अफ्रीका में विकास के सबूत मिलते हैं। साधारणतया मानव और बानर, विशेषकर मानवाकार बानर, अपनी शारीरिक रचनाओं के समान हैं। समान अस्थियां, अंग, मांसपेशियां और यहां तक कि रक्त समूह। परंतु सूक्ष्म परीक्षण करने पर अनेक अंतर भी मिलते हैं, जो मुख्यतः मनुष्य के खड़े होकर दो पैरों पर चलने के कारण हैं, जैसे कपियों के प्रतिकूल मनुष्य की टांगें हाथों से अपेक्षाकृत लंबी होना, कूल्हे की अस्थि के आकार और स्थिति में परिवर्तन, पैरों के अंगूठे का अन्य उंगलियों की सीध में आदि। इन गुणों के अतिरिक्त मनुष्य का मस्तिष्क अन्य सभी कपियों से बड़ा है। जहां कपियों की कपाल गुहा का आयतन 350 से 450 घन सेंटीमीटर है, वहीं मनुष्य का 1200 से 1500 घन सेंटीमीटर तक है। होंठों के आंतरिक भाग का बाहर दिखाई पड़ना, कानों की बारियों का मुड़ा होना, बालों का संपूर्ण शरीर पर ना होना, ऐसे बहुत गुण हैं जो मनुष्य को कपियों से दूर ले जाते हैं। यह स्पष्ट है कि मस्तिष्क की वृद्धि पर ही मनुष्य के संपूर्ण विकास का बल रहा है। यह वृद्धि अब भी हो रही है या नहीं, यह कहना थोड़ा कठिन है, परंतु जितना कुछ विकास हो चुका है उसके आधार पर मनुष्य और लुप्त सरीसृपों के विकास के तुलनात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लुप्त सरीसृपों का शरीर भीमकाय भार 40 से 60 टन तक होता था, फलस्वरूप बृहद शरीर की आवश्यकताओं को अपेक्षाकृत छोटा मस्तिष्क पूरा न कर सका और ये जंतु क्रमशः लुप्त होते गए। इनके प्रतिकूल मनुष्यों में शरीर के अनुपात में अपेक्षाकृत मस्तिष्क कहीं बड़ा हो गया है। अतएव मनुष्य के मस्तिष्क की अधिकांश शक्ति शारीरिक आवश्यकताओं, भोजन, सुरक्षा आदि को पूरा कर लेने के बाद भी शेष रह जाती है। यह शक्ति मनुष्य अपने सुख साधनों को एकत्रित करने तथा विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों को प्राप्त करने में लगा रहा है।
इनमें विनाश के भी बीज निहित हैं। मनुष्यों का भविष्य अर्थात वह रहेगा अथवा सरीसृपों की भांति पृथ्वी रूपी रंगमंच पर अपना अभिनय समाप्त करके सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। यह उसके विनाशकारी औजारों की शक्ति और उनके उपयोग पर निर्भर करता है। यदि उसका लोप हुआ तो वह इस निष्कर्ष की पूर्ति करेगा कि प्रकृति में किसी जंतु के शरीर और मस्तिष्क विकास में समन्वय होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर उस जंतु का भविष्य में अस्तित्व सदा अनिश्चित ही रहेगा। इन तमाम बातों से एक बात तो पक्की है कि बंदर हमारे पूर्वज नहीं थे। लेकिन फिर वही सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि हमारे पूर्वज आखिर कौन थे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और बिना बोले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, तो उसके लिए आपका धन्यवाद।